दोस्तों चलिए आज बनाते हैं सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से बेहतरीन खिचड़ी। जी हाँ, ये टाटा संपन्न की तरफ से एक गिफ्ट है जो कि वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए और साथ में जिनके पास वक्त की कमी है, मम्मीज के लिए जिनके पास वक्त कभी होता ही नहीं, उनके लिए ये बेहतरीन गिफ्ट है टाटा संपन्न की तरफ से। ये 6 ग्रेन खिचड़ी मिक्स है और ये बस 5 सीटी में बनकर तैयार हो जाती है। इसमें 200 ग्राम है और ये 4 लोगों के लिए सफिशियंट होता है, तो एक परिवार के लिए ये काफ़ी है। और वर्किंग डेज में या वीकेंड्स पर किसी एक वक्त बना लेने से ये आसानी होती है कि आप अपना वक्त किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को भी पसंद आता है और 1 बॉल मील है, तो इसे बनाने का तरीका भी आसान है। इस पैकेट पर लिखे अनुसार ये 4 स्टेप में बनकर तैयार हो जाता है। 1 टेबल स्पून घी डालने के बाद इसमें थोड़ी देर मसाले की भुनाई कर लेनी होती है, फिर 1 लीटर पानी डालकर अनाज को गला लेना होता है और 5 सीटी में ये गलकर तैयार हो जाता है। बाहर से हमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं। यूँ समझें कि ये एक बेहतरीन गिफ्ट है बिजी लोगों के लिए। तो इसे बनाते हैं और मैंने इसे बनाया है, बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही अच्छा होता है और इस पर हमारा भरोसा तो है ही। तो आप भी इसे ट्राई करें और देखें ये कितनी आसानी से बन जाता है। अब इसे मैं एक बोल में ढाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके दानों को और इसमें है चावल, मूंग दाल छिलके वाला, रागी, राजगिरी, ज्वार और बाजरा। तो ये बहुत ही हेल्दी बनने वाला है और इसके साथ मसाले का सैशे भी है, यानी हमें मसाला भी अलग से नहीं इस्तेमाल करना है। तो अब देखते हैं मसाला कैसा निकलता है। ये मसाले का पैकेट है, अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। तो इसमें जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर और कुछ हर्ब्स तो नजर आता है, बाकी कुछ खास पकड़ में नहीं आता। उम्मीद है कुछ अच्छा ही होगा। तो ये लगभग 2 टेबल स्पून मसाला है। उम्मीद है आज की खिचड़ी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। आप देख सकते हैं दाने सभी बहुत ही अच्छे फ्रेश हैं, बहुत ही फ्रेश इसकी पैकेजिंग है, सील्ड है। तो अभी इसे सबसे पहले धो लेना हो। मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक थोड़ी सी सब्जी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बीन, गाजर, मटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने एक कुकर चढ़ाया है और उसमें इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है। अब यहीं पर हमें ये पाउडर मसाला भी डाल लेना होगा और धीमी आंच पर इसे थोड़ा सा भून लेना है। फिर यहीं पर हमें सब्जी डालना है और चावल भी डालना है। तो अब जीरा चटक चुका है तो यहाँ पर हम डालेंगे सब्जी। इसे 2 मिनट भून लेना है। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और मसाले में सरसों, हींग और जीरे की खुशबू है, अच्छा टेस्ट है, नमक भी है। तो अब यहाँ पर हमें धुला हुआ अनाज डालना है। तो चलिए, इसमें छिलके वाली मूंग साफ दिखाई देता है, चावल भी बहुत अच्छे किस्म का है, बाजरा है और रागी है जिसे शायद मड़ुआ भी कहते हैं। तो ये सभी लोकल और देहाती अनाज है जो कि आजकल बहुत ही चर्चे में है और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो इसे थोड़ा सा उबाल आने देते हैं। तो अब खिचड़ी हमारी थोड़ी गुनगुनाने लगी है, आप देख सकते हैं ये कितना कलरफुल दिख रहा है और अभी से उम्मीद है कि ये बनकर बहुत ही अच्छा दिखेगा और काफ़ी हेल्दी तैयार होगा। आज मुझे
फ्रिज की सफाई का और लॉन्ड्री का कुछ काम है, इसलिए मैं इसे ब्रेकफास्ट में तैयार कर रही हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे, जो कि मैंने 1 लीटर पानी नाप कर रखा हुआ है। अब इसमें उबाल आने देना है, उसके बाद ही हम ढक्कन बंद करेंगे। अब खिचड़ी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसकी ढक्कन बंद करेंगे और सीटी आने का वेट करेंगे। लगभग 4 से 5 सीटी में ये तैयार हो जाएगा, जैसा कि पैकेट के ऊपर दावा किया गया है। तो चलिए 5 सीटी पूरी हुई, अब फ्लेम को करते हैं बंद और होने देते हैं इसे अपने आप ही ठंडा। उसके बाद मैं इसे सर्व करूंगी। तो अब इस खिचड़ी को देखने की बारी है और आप देख सकते हैं कि बेहतरीन लाजवाब खिचड़ी 5 सीटी में बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से ये गल भी गया है। तो दोस्तों ये इसका फाइनल रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। और आज मैंने इसे आम के अचार और आंवले की चटनी के साथ सर्व किया है। बेहतरीन खिचड़ी बनकर बहुत ही आसानी के साथ रेडी हुई है। और आप चाहें तो इसे कोफ्ते के साथ, मटर पनीर के साथ सर्व करें, इसे गर्मा गर्म घी के साथ सर्व करें, दही और पापड़ के साथ सर्व करें, आप इसको जिस तरह से चाहें सर्व करें, मगर बेसिक खिचड़ी हमारी इतनी आसानी से बन गई है। ये मज़ेदार सी खिचड़ी तैयार होकर 4 लोगों के लिए काफ़ी हो जाती है। अगर इसके फायदे को कीमत के हिसाब से देखें तो ये 70 रुपये में 200 ग्राम खिचड़ी का दाना मिल जाता है, जो कि 4 लोगों के लिए सफिशियंट है। ये हेल्थ बनाओ और वक्त बचाओ खिचड़ी हमें तो बहुत पसंद आई। उम्मीद है आप भी इसे एंजॉय करेंगे। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं। और अगर पसंद आए तो अपने कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें।